हाय गाइस, आप सबका फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। सो दोस्तों, कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें ट्रांसफार्मर टेस्ट रिपोर्ट के रिगार्डिंग बताया था। आज के इस वीडियो में हम फिर ट्रांसफार्मर टेस्ट रिपोर्ट कैसे बनाया जाता है, कैसे फार्मूला सेट किया जाता है, एक से कई ट्रांसफार्मर अगर टेस्ट कर रहे हैं एक ही रेटिंग का या अलग अलग रेटिंग का, तो इस वीडियो में हम लोग ये देखते हैं कि कंप्यूटर में एक्सेल शीट पर कैसे इसका फॉर्मेट बनाते हैं, कैसे इसका फार्मूला लगाते हैं, इस वीडियो में हम लोग देखते हैं। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं, मैं हूं विजय पाल वर्मा, टेक्निकल व्यू इंडिया चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, ये हमने 200 केवीए का ट्रांसफार्मर लिया है, ये फॉर्मेट है। इसमें हम एक कंप्यूटर में एक्सेल शीट पर इसका रिपोर्ट बनाएंगे। एक्सेल शीट में फार्मूला लगाना आसान रहता है, इसलिए एक्सेल शीट में बताते हैं। दोस्तों, एक से अधिक ट्रांसफार्मर जब टेस्ट करते हैं तो कैसे इसका फॉर्मेट बनाएंगे, हमने पिछले वीडियो में बताया था एक ही इंडिविजुअल एक ट्रांसफार्मर का टेस्ट रिपोर्ट बनाना, लेकिन इस वीडियो में हम एक से अधिक ट्रांसफार्मर का टेस्ट रिपोर्ट बनाना सिखाएंगे। 200, 400, 500, 10, 20 ट्रांसफार्मर कैसे टेस्ट करके रिपोर्ट बनाएंगे, इसमें हजारों ट्रांसफार्मर तक टेस्ट रिपोर्ट बना सकते हैं। दोस्तों, सीरियल नंबर यहाँ पर तो आप टाइटल में बना डाल सकते हैं, या 200 केवीए वोल्टेज क्लास इम्पीडेंस वगैरह सारा कुछ हम टाइटल में बना सकते हैं आप। और उसके बाद हम इसमें बनाएंगे सीरियल नंबर, जाब नंबर या ट्रांसफार्मर नंबर, वोल्टेज, उसका वोल्टेज क्लास क्या है, एल वी यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर नो लोड लिखा है 100%, 100% पर करंट चेक करेंगे। अगर 50% पर भी करंट चेक करना है तो यहाँ 50% भी कॉलम बना देंगे, ये हो जाए। उसके बाद लास्ट में नो लोड वाट कितना आ रहा है यहाँ हो जाएगा, उसका फ्रीक्वेंसी कितना डाल देंगे। उसके बाद 100% लोड लास्ट टेस्ट 100% या 50% पे अगर चेक करना है 50% भी डालेंगे, नहीं तो 100%। अभी इसमें हम 100% का दिखा रहे हैं, 50% कैसे कैलकुलेट किया जाता है उसको हम आगे कभी बता देंगे। अभी इसमें 100% टेस्टिंग दिखा रहे हैं 100% पे। तो ये 200 केवी ट्रांसफार्मर का करंट होता है, यहाँ पर हमने फार्मूले के साथ लगा दिया है। फार्मूला हमने इसका वीडियो पिछले वीडियो में हमारे चैनल में वीडियो पढ़ा हुआ है कि लोड कैपेसिटी कैसे निकाला जाता है किसी भी ट्रांसफार्मर का, सिंगल फेज हो या थ्री फेज हो, कैसे करंट निकाला जाता है, इसका वीडियो पढ़ा हुआ है, वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। उसके बाद इम्पीडेंस वोल्टेज और वाट, इम्पीडेंस वोल्टेज जो पावर लाइन में मेजरमेंट होके आएगा उसको आगे डालेंगे, इसको अंडर रूट 3 से गुणा होके आ रहा है इम्पीडेंस वोल्टेज, कैलकुलेट होके आ रहा है ये लास्ट कितने जो मेजरमेंट करने पे आता है, उसका एम्बिएंट टेम्परेचर। उसके बाद इसको एक तो ये आता है डायट कैलकुलेट कर सकते हैं, एक डायट है एक आई स्क्वायर आर से, हम इसमें आई स्क्वायर आर से बताएंगे, डायट नहीं बताएंगे। डायट में ये इम्पीडेंस वहाँ से ही उठाया है, इसको इम्पीडेंस दूसरे सीट से लाया है इसको देखने के लिए। अब इसको आगे है जो वोल्टेज मेजरमेंट करते हैं, जो पावर लाइन जो वोल्टेज आएगा वोल्टेज को यहाँ डालेंगे, उसके बाद यहाँ पे यहाँ कैसे करेंगे, यहाँ क्लिक करेंगे, इस वोल्टेज पर क्लिक करेंगे, फिर गुणे रूट 3 1.7321 आ गया, इतना आ गया। उसके बाद यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से खींच देंगे नीचे तक आ जाएगा इम्पीडेंस वोल्टेज। जो पावर लाइजर क्या होता है, सिंगल फेज होता है, उसमें सिंगल फेज पर फेज वोल्टेज आता है, पर फेज फेज टू फेज भी पावर लाइजर आते हैं, उसमें फेज टू फेज भी वोल्टेज आता है, पर फेज भी आता है, हमने पर फेज वोल्टेज लिखा है इसलिए यहाँ पे रूट 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यह आ गया। अब जितने भी ट्रांसफार्मर हमारा टेस्ट करना है उस पर इसको डाल देंगे, इसमें एक ही रेटिंग का चलेगा, एक ही रेटिंग का टेस्ट करेंगे, चाहे 25 के भी हो या 100 के भी हो या 200 के भी हो या 1000 के भी हो, एक ही रेटिंग का चलेगा इसमें। उसके बाद जो है यहाँ नो लोड डाल देंगे, जितने भी जाप रहेगा एक से यहाँ पर आप डाल देते हैं, सीरियल नंबर डाल देंगे, यहाँ से देख सकते हैं आप 10 ट्रांसफार्मर टेस्ट करते हैं ऐसे और खींच देंगे, ऐसे खींचते चले जाएंगे। इसमें जितने भी ट्रांसफार्मर टेस्ट करने हैं आपको 100 200 अपना बनता चला जाएगा, सीट 1 सीट 2 3 होता चला जाएगा, कि नो लोड इसमें भरते चले जाएंगे, यहाँ लोड लास्ट भर देंगे, यहाँ टेम्परेचर। उसके बाद अब चलेंगे यहाँ पर दूसरी सीट में डालेंगे, दूसरी सीट में ये सब ऊपर डाल देंगे, 200 के भी है कितने बाय कितना का है सब डाल देंगे। उसके बाद एल बी रजिस्टेंस एच बी रजिस्टेंस, एल बी रजिस्टेंस फेज टू फेज, हमने एच बी एल बी रजिस्टेंस हमने फेज टू फेज लिया है, ये फेज टू फेज लेंगे तो 2U 2B
बड़ा कर लेते थोड़ा, टू यू टू बी, टू बी टू डब्ल्यू, टू डब्ल्यू टू यू, ये हो गया एलबी रेजिस्टेंस, एवरेज हो गया। इसी तरह एचबी रेजिस्टेंस और एवरेज हो गया। इसको अगर 75 पे कन्वर्ट करना है 75 पे कन्वर्ट कर लेंगे। 75 पे कैसे कैलकुलेट किया जाता है इसका फार्मूला के साथ हमने वीडियो बताया हुआ है, वहाँ पर जाके रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना सीख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर भी बता देते हैं रेजिस्टेंस कैलकुलेट कैसे किया जा रहा है। एक का बताते हैं एचबी का, यहाँ पर होगा फार्मूला लगाएंगे जिसे बताया हम, प्लस का निशान दाबेंगे या कुछ भी वो करेंगे, प्लस या बराबर का निशान दाबेंगे, ये हो गया। इसमें अब रेजिस्टेंस क्या लेंगे, इतना इनटू 300 डिवाइडेड बाय ब्रैकेट स्टार्ट 1.1, ये आ गया 200 200, डबल ब्रैकेट कर लेंगे, एल्युमिनियम है तो 225 प्लस एम्बियंट टेम्परेचर, एम्बियंट टेम्परेचर यहाँ पर डाले हैं, एम्बियंट टेम्परेचर यहाँ पर डाले हैं, तो यहाँ पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद फिर इधर चले जाएंगे, फिर इसको ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। एक ये आ गया, एक मिनट सॉरी, ये आ गया। अब इसको परफेज करना है तो परफेज करेंगे तो 1.5 से गुणा कर देंगे, क्योंकि डिजाइन जो वैल्यू देता है परफेज रेजिस्टेंस देता है, ब्रेकेट नहीं किया था इसलिए परफेक्ट रेजिस्टेंस से कैलकुलेट होके आ गया। इस तरह एलबी का कर लेंगे, एलबी का मिली ओम में है तो ओम में करने के लिए पॉइंट, ओम में करने के लिए 2000 से मतलब 1000 से डिवाइड करेंगे। अब आगे देखते हैं, इसके बाद पोलैरिटी टेस्ट करना है, रेशियो टेस्ट करना है, रेशियो आगे डाल देंगे, एक ही पेज में आ जाएगा रेशियो आ जाएगा, सभी पेज तीनों पेज का सभी ट्रांसफॉर्मर का रेशियो आ जाएगा। इसको डालने की जरूरत नहीं है, पोलैरिटी वेक्टर ग्रुप डालने की जरूरत नहीं है, उसको अलग अलग टेस्ट कर लेंगे। और मेगर डाल सकते हैं, मेगर सभी ट्रांसफॉर्मर का कितना मेगर है, अप टू 2000 मतलब 2000 के ऊपर है, टेम्परेचर डाल देंगे। ये हो गया मेजरमेंट, दो सीट हो गई मेजरमेंट की। तीसरी सीट आ गई कैलकुलेशन है, 100% कैलकुलेशन का। ये आप देख सकते हैं इसमें हमने और रीडिंग नहीं भरा है इसलिए इसको ऐसे दिखा रहा, हमने चार जाप का लिया है, चार पांच जाप का। दोस्तों अब यहाँ पर हम फार्मूला सेट करेंगे, ये 200 केवी हो गया, थोड़ा बड़ा कर देते हैं, दोस्तों 200 केवी है। अब करंट कैसे निकाल, यहाँ सेट करेंगे, करंट सेट करने के लिए इसका फार्मूला आना चाहिए, फार्मूला को हमारे वीडियो में हमारे चैनल में जाके इसका वीडियो देख सकते हैं। यहाँ पर हमने फार्मूला लगा दिया है, उसके बाद एलबी करंट लगा दिया है फार्मूला, उसका एचबी वोल्टेज एलबी वोल्टेज, ये करंट आ गया। अब हमें आ गए यहाँ एचबीआर और एलबीआर, एवरेज रेजिस्टेंस आ गया। अब लाना कैसे, एचबीआर लाना है, यहाँ पर क्लिक करेंगे प्लस, अब जहाँ पर है उस सीट में जाएंगे, सीट में गए एचबीआर था, एचबी का एवरेज ले लेंगे, एवरेज पर क्लिक किया, इंटर मार दिया, आ गया यहाँ पे। इस तरह एलबी का प्लस किया, फिर मेजरमेंट में गया, फिर एलबी का रेजिस्टेंस एवरेज गया, इंटर मार दिया, यहाँ दोनों का रेजिस्टेंस आ गया। उसके बाद यहाँ से ऐसे पकड़ेंगे, उसको खींच देंगे, सभी का आ जाएगा। ओके, अब यहाँ लिखा आएगा, फिर इसका हमने पिछले वीडियो में बताया है HBI²R, LBI²R, टोटल I²R, फिर मेजर्ड लॉस जो रहेगा उसको डाल देंगे, फिर स्टे लॉस निकालने का फार्मूला होता है मेजर्ड माइनस टोटल I²R लॉस, तो स्टे लॉस आ जाएगा। स्टे लॉस को 75 पे कन्वर्ट करेंगे, स्टे लॉस जो मेरा लॉस आया रहेगा, टोटल I²R लॉस जो आया रहेगा उसको इंटू ब्रैकेट में 200 एल्युमिनियम की जाब है 225 प्लस एम्बियंट टेम्परेचर, अगर कॉपर की जाब है 235 प्लस एम्बियंट टेम्परेचर डिवाइड बाई 310, अगर कॉपर है तो एल्युमिनियम है 300, ये उल्टा कैलकुलेशन इसका होता है, स्टेला 75 पे आ जाएगा। अब इसमें HBI² है, HBI² में R मीन्स HB का करंट जो होता है उसका स्क्वायर इंटू R
इंटू डेल्टा में है तो 1.5 से इंटू कर देंगे। देखिए यहाँ क्लिक किया एचवी करंट। अब इसको स्क्वायर लगाने के लिए शिफ्ट करके जो एरो का निशान होगा इसको डालेंगे, उसका टू डाल देंगे स्क्वायर इंटू इंटू आर फिर इंटू 1.5 पर भेज है 1.5। ओके ये आ गया। अब एल बी आई स्क्वायर आर है, एल बी आई स्क्वायर आर को करने के लिए एल बी करंट, करंट है यहाँ पर एल बी करंट का स्क्वायर कर देंगे, शिफ्ट करके लगा टू लगा एल बी आई स्क्वायर इंटू आर इंटू इंटू आर। एल बी रजिस्टेंस हो गया, फेज टू फेज हमने रजिस्टेंस लिया था इसलिए इंटू 1.5। अब डिवाइड बाई कर देंगे क्योंकि मिली ओम में था, ओम में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाई 1000 कर देंगे। ये आ गया एल बी आई स्क्वायर आर। अब यहाँ पे टोटल आई स्क्वायर आर करेंगे प्लस, फिर टोटल करने के लिए इसको और इसको यहाँ क्लिक कर देंगे तो 9 वाला था इतना प्लस ए वैल्यू, टोटल आई स्क्वायर आर आ गया। फिर मेजर्ड लॉस, मेजर्ड लॉस लाने के लिए कैसे करेंगे, मेजर्ड इस पर क्लिक करेंगे, मेजर्ड लॉस, मेजर्ड लॉस जहाँ पर दूसरे सीट पर किए हैं दूसरे सीट पे यहाँ पे है इस पर क्लिक करेंगे इंटर मारेंगे आ गया मेजर्ड लॉस आ गया। उसके बाद स्ट्रे निकालेंगे, स्ट्रे हमने फार्मूला बताया मेजर्ड माइनस टोटल आई स्क्वायर आर, इसको ऐसे क्लिक करेंगे फिर मेजर्ड वैल्यू माइनस टोटल आई स्क्वायर आर आ गया। ये आ गया स्ट्रे लॉस, स्ट्रे लॉस को टोटल आई स्क्वायर आर लॉस पहले 75 पे कन्वर्ट कर लेते हैं, टोटल आई स्क्वायर आर लॉस को 75 कन्वर्ट करेंगे, इसका फार्मूला होता है टोटल आई स्क्वायर आर इंटू 300 डिवाइडेड बाय ब्रैकेट दे स्टार्ट 225 प्लस एम्बिएंट टेम्परेचर, एम्बिएंट टेम्परेचर कितना था 30 डिग्री। चाहे तो हम यहाँ पे जाके यहाँ से जाके यहाँ टेम्परेचर डाल सकते हैं। ओके ब्रैकेट बंद कर देंगे इंटर मार देंगे टेम्परेचर आ गया, वहीं से लेना पड़ेगा टेम्परेचर मेरे क्योंकि हमें कई जॉब टेस्ट करना है तो आ गया। उसके बाद स्टेलास 75 पे कन्वर्ट करने के लिए यहाँ क्लिक करेंगे, स्टेलास जो आया है आया इसको इंटू ब्रैकेट स्टार्ट 225 प्लस एम्बिएंट टेम्परेचर, एम्बिएंट टेम्परेचर है 30 ब्रैकेट बंद इंटर कर देंगे फिर दोबारा क्लिक करेंगे इस पर इतना आ गया फिर डिवाइड बाय 300 ये आ गया स्टेलास आ गया 75 पे, फिर टोटल लास 75 आ गया स्टेलास 75 और टोटल इसको जोड़ दिया हमने इतना प्लस इतना आ गया लोड लास आ गया 75 पे मतलब 3049 वाट आ गया लोड लास। अब इम्पीडेंस कैलकुलेशन कैसे करेंगे, इम्पीडेंस का देखते हैं दोस्तों। ये हो गया आई स्क्वायर आर लॉस, एच वी आर एल वी आर यहाँ पे ला देंगे फिर एच वी आई स्क्वायर एल वी आई स्क्वायर टोटल आई स्क्वायर आर मेजर लॉस स्टे लॉस फिर टोटल आई स्क्वायर आर लॉस स्टे लॉस 75 पे फिर टोटल आई स्क्वायर आर लॉस 75 पे आ गया आई स्क्वायर आर लॉस। अब इसी में इम्पीडेंस कैलकुलेशन करेंगे, अब इम्पीडेंस कैलकुलेशन दिखाते हैं। हमने अलग से एक एक करके दिखाया है, हमारे चैनल पर जाके सभी ट्रांसफार्मर रिलेटेड वीडियो आप देख सकते हैं, अच्छे से बताया गया है वहाँ पे। यहाँ पर बहुत लंबा समय हो जाएगा इसलिए शॉर्टकट में थोड़ा सा खींचते हैं। अब इम्पीडेंस वोल्टेज, इम्पीडेंस वोल्टेज वहाँ से हम ले लेंगे इस तरह से बताए थे, फार्मूला लगाना हमने सिखा दिया वहाँ से ले लेंगे। इम्पीडेंस कैलकुलेशन आ गया, इम्पीडेंस का कैसे कैलकुलेट किया जाता है इसका डिटेल्स आप देख सकते हैं हमारे चैनल पर जाके, लेकिन यहाँ पर भी देख सकते हैं। यहाँ पर करने के लिए इसमें लगाएंगे जितना वोल्टेज है, वोल्टेज इंटू 100 डिवाइडेड बाय एल बी वोल्टेज यहाँ पर है मतलब डिवाइड बाय एच बी वोल्टेज यहाँ डाल दिया फिर इंटर मार दिया आ गया इम्पीडेंस परसेंटेज जेड आ गया। फिर परसेंटेज आर इसी तरह से जो मेजर्ड लॉस आया रहेगा उसको इंटू 100 डिवाइड बाय KVA इंटू 1000 इससे आ जाएगा। फिर रिएक्टेंस आ जाएगा अंडर रूट जेड का स्क्वायर माइनस परसेंटेज आर का स्क्वायर इसको कर लेंगे, फिर परसेंटेज आर आ जाएगा जो लास्ट 75 पे आ रहेगा उसको इंटू 100 अपॉन KVA
2000 हो जाएगा, फिर जेड आ जाएगा, दोनों को ऐड हो जाएगा, इसके बाद 4.49 इंपीडेंस। अब इसको कैसे करेंगे, पूरा या तो पूरा ऐसे पकड़ खींचिए, इसको ऐसे खींच सकते हैं पकड़ के, इसको नीचे तक खींच सकते हैं, ऐसे पूरा फार्मूला लग जाएगा। इसमें थोड़ा सा उन्हें किया था इसलिए ये हो गया। दोस्तों ऐसे फार्मूला लग जाएगा, एक एक करके हम लोग खींच लेंगे, ऐसे ऐसे आ जाएगा, वहाँ रीडिंग फिलअप नहीं था इसलिए आ गया। दोस्तों ऐसे करके आप फार्मूला लगा सकते हैं, इम्पीडेंस कैलकुलेशन हो गया, आई स्क्वायर आर कैलकुलेशन हो गया। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको हमने जो बताया इसको आपको समझ में आया होगा। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।